आदमी और नेता ये कहने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय आए और हम अब राम मंदिर बनाने के लिए बाध्य हैं, इसको लेके मुस्लिम थोड़ा उद्वेलित है। भारत की जनता और खासकर इस देश के रहने वाले लोग जानते हैं कि विकास पे देश चले, और जिन्होंने विकास नहीं किया है उनके पास रास्ता क्या है। इसलिए समाज में खाई न पैदा करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जातियों में खाई न हो, धर्मों में खाई न पैदा हो, क्योंकि देश तभी खुशहाल होगा जब सब धर्म को हम बराबर से सम्मान देंगे और सब जातियों को सम्मान करेंगे। इंडिया के टेन जो प्रदूषित शहर हैं उसमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं, पहले ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार विदेशों में बहुत जा रही है, और विदेशों से कम ये तो हम सीख लें कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षण कैसे कर सकते हैं और सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। और अगर हमारा भारत पॉल्यूशन में आगे निकल जाए, कैंसर की बीमारियों में सबसे आगे निकल जाए, भारत अगर डायबिटीज में आगे निकल जाए, भारत अगर बच्चे मरने वालों की आबादी में सबसे आगे निकल जाए, भारत ऐसा देश बन जाए कि जहाँ पर हार्ट की बीमारियाँ सबसे ज्यादा हो, भारत कहीं ऐसा बन जाए जहाँ पर सबसे ज्यादा आंखों की बीमारी हो रही हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है, और मैं समझता हूँ भारत सरकार को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। और जिनकी नीयत साफ नहीं है वो क्या पर्यावरण साफ करेंगे या क्या पॉल्यूशन हटाएंगे? आपको याद होना चाहिए इन्हीं लोगों ने गंगा मैया कहा था कि माया गंगा ने मुझे बुलाया है। माँ गंगा हमारी सबसे पवित्र है, माँ गंगा हमारे धर्म की और हमारी परंपराओं और संस्कृति की पहचान है। बोलो गंगा माँ का क्या कर दिया इन्होंने? क्या यमुना साफ हो गई? आने वाले समय में प्रदूषण के मामले में और कचरा और गंदगी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भारत को भी नंबर 1 पे पहुंचाने का काम करेगी। मोदी जी कहते हैं ठोक दो, जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा ठोक दो तो जनता जनता को ठोक रही है और कहीं पुलिस ठोक रही है। भैया रात में सीबीआई ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर है, सीबीआई अधिकारियों की निगरानी होती है, कैसा कहें क्या कहेंगे? ये तो सीबीआई वाले बता सकते हैं कि लोगों को क्यों परेशान करते थे। पूरे देश की जनता को, भारत की जनता को देश के संविधान पर भरोसा है, भारत की जनता को न्यायपालिका पर भरोसा है, और भारत वर्ष के लोगों को हमारे जो लोकतंत्र में परंपराएं, लोकतंत्र की जो आत्मा है संविधान, और माननीय सबसे उच्च और सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का भी विशेषता है, तो मैं समझता हूँ सारे को निकाल देनी चाहिए और उसकी कही हुई बात सबको सम्मान करना चाहिए। ये हमारा फैसला आगे आने वाले समय में पता लगेगा।